हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो एएमएमसी का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। उनके पास कोई भी बॉक्स हो, वो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग अभी तक, मुझे यहाँ तक लगता है कि नहीं जानते। क्यों नहीं जानते वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने एएमसी की आरपीएम भी क्लीन कर दी है, अब सेट ओनली वाइब्रेट कर रहा है, या फिर लोगों पर अटका पड़ा है, या फिर रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर सेट पूरा ऑन ही नहीं हो रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रही है। तो वे क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती वही लोग कर पाएगा करेगा जिनके लिए नॉलेज नहीं होगी। और ये नॉलेज मुझे यहाँ तक लगता है कि अभी जो फ्रेशर बंदे हैं या फिर इस लाइन में न्यू हैं, एएमसी का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पता ही नहीं होगा कि ये हमारे लिए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कभी को क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 90% कंज्यूम हो गया या फिर एमएलसी एसएलसी मिचमैच हो जाता है, तो उस टाइम में हम रिपार्टीशन करते हैं। एक बार रिपार्टीशन कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से रिपार्टीशन ना होता है, उसके बाद हम आरपीएम भी क्लीन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं कि हम रिपार्टीशन करते हैं, कभी को इतनी नौबत आ जाती है कि एएमसी रिपेयर ही नहीं हो पाती है, उसके लिए आरपीएम भी क्लीन ही करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से फ़ोनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा काम कर बैठते हैं कि पूरा पूरा दिन, दो दो तीन दिन दिन बिता देते हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते, हमारा टाइम है वो वेस्ट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एएमसी की आरपीएम भी क्लीन करना है, कौन कौन सी एएमसी की रिपार्टीशन करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बताना चाहूँगा, एएमसी जो अभी मार्केट में चल रही है, सैमसंग की एएमसी की ही आरपीएम भी क्लीन हो रही है, बाकी की अभी तक किसी भी एएमसी की आरपीएम भी क्लीन नहीं होती है। और ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है 90% कंज्यूम एसके हाइनेस में देखने के लिए मिला है, बाकी का मुझे यहाँ तक लगता है मैंने और एएमसी में तो शायद नहीं देखा है। ज़्यादा मेरा काम भी नहीं है, इतना काम नहीं आता है एएमसी का, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। बाकी का मैंने एसके हाइनेस में ही यहाँ पर 90% कंज्यूम देखा है। तो 90% कंज्यूम है तो आप रिपार्टीशन कर सकते हैं, उसके बाद उसकी जो एमएलसी और एसएलसी है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है, 0 से 10% या फिर 10 से 20% वो आ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको रिपार्टीशन करना है, किसी भी टूल से करते हैं, कोई भी बॉक्स है, सारे में आपको रिपार्टीशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी कभार ऐसा होता है कि रिपार्टीशन करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, या फिर बोल सकते हैं कि हमने गलती से आरपीएम भी क्लीन कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा। कोई कोई फ़ोन हो जाता है, बट कोई कोई फ़ोन नहीं होता है। जो मीडियाटेक वाला फ़ोन होगा वो यहाँ पर ज़्यादातर ऑन हो जाएगा, बट जो क्वालकॉम वाला फ़ोन होगा वो यहाँ पर ऑन नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रिस्टार्ट हो गया, हैंग ऑन लोगों पर आ गया, फिर यहाँ पर ओनली वाइब्रेट पर आ गया, फिर कम्प्लीटली डेड हो गया, ये किस बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको आरपीएम भी क्लीन एक किस्म से ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि उसके फ़ोन में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। अगर मीडियाटेक है तो आप कर सकते हैं, बट उसमें भी किसी किसी ब्रांड में आ जाता है प्रॉब्लम, आरपीएम भी क्लीन करने के बाद वो पूरा ऑन नहीं होता है। और क्वालकॉम वाले फ़ोन का तो आरपीएम भी बिल्कुल भी क्लीन ना करें। अभी आरपीएम भी क्लीन का ऑप्शन अभी जल्दी में देखने के लिए मिला, वैसे तो पहले से भी था, बट उस टाइम लोग नहीं जानते थे। अब आरपीएम भी का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। आरपीएम भी का मतलब ये है, हिंदी भाषा में बोलूँगा, ज़्यादा मैं इसका ये नहीं बताऊँगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है क्या, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा। सबसे इसमें बता देता हूँ आरपीएम भी का यहाँ पर मैटर क्या है। आरपीएम भी क्लीन करने का मैटर यह है कि जो सीपीयू और एएमसी के बीच में एक कोड होता है या फिर सिक्योरिटी लगी हुई होती है कंपनी के थ्रू, उसको तोड़ना होता है। एक किस्म से ये बोल सकते हैं, अगर किसी भी एएमसी की आरपीएम भी आपने क्लीन कर दिया तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो टूट गई, यानी कि जो कंफर्टेबल है एएमसी सीपीयू से वो उसकी कंफर्टेबल एएमसी डिस्कनेक्ट, एक किस्म से बोल सकते हैं उसका जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, वो सीपीयू पहचान नहीं पाएगा कि हमारी जो हमारे ये सीपीयू से ये मैच हो रही थी एएमसी, अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी आरपीएम भी क्लीन हो जाती है। एक किस्म से बोल सकते हैं एएमसी पर सॉफ्टवेयर करना, तो सॉफ्टवेयर आप किसी भी फ़ोन पे अगर फ्लैशिंग करते हैं तो वो एक किस्म से कंपनी जैसा हो जाता है, तो उसी तरीका से जो एएमसी होती है वो कंपनी जैसी हो जाती है।
अब ये सिक्योरिटी होती है वो कंपनी डालती है अलग अलग ब्रांड में, जैसे कि MI, MediaTek और Qualcomm वाले फ़ोनों में यहाँ पर सिक्योरिटी डाल के देती है। यहाँ पर अगर MediaTek की MMC को ओनली MMC को चेंज करते हैं वो नहीं कर पाती है, उसके लिए इंजीनियरिंग फाइल या फिर MMC चेंज फाइल डालना होता है। यहाँ की अगर आप ओप्पो की MMC की RPM भी क्लीन करके डालते हैं या फिर RPM भी क्लीन करके भी नहीं डालते हैं और उसका जो फर्मवेयर है वो डाल देते हैं तो फ़ोन हो जाता है ऑन और इंजीनियरिंग फाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन MediaTek वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है अगर आपका जो सैमसंग का फ़ोन है या फिर ये बोल सकती है RPM भी क्लीन उस फ़ोन का करना चाहिए, इस MMC का करना चाहिए जिसकी MMC चेंज फाइल या फिर उसमें फर्मवेयर डालने के बाद फ़ोन ऑन हो जाता हो। ऐसा नहीं होगा कि RPM भी क्लीन कर दिया उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग फाइल नहीं मिल पा रही है या फिर उसकी MMC चेंज फाइल नहीं मिल पा रही है या फिर एक किस्म से बोल सकते हैं कि उसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं बन पाया है जो कि RPM भी क्लीन करते हैं या फिर MMC चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में फ़ोन ऑन ना हो पाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी जो सिक्योरिटी कंपनी डाल के दे रही है उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। अगर आप उसकी सिक्योरिटी तोड़ते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ये वो खुद नहीं चाहती कि हमारी MMC चेंज हो पाए या फिर उसकी सिक्योरिटी टूटे। तो यहाँ पर जो MI का ही ज़्यादातर सॉल्यूशन आया है अभी तक RPM में क्लीन करके MMC को लगा देते हैं तो उसकी इंजीनियरिंग फाइल या फिर MMC चेंज फाइल डाल देते हैं तो फ़ोन है वो ऑन हो जाता है, बट हर मॉडल नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन आ जाता है तो एक किस्म से बोल सकते हैं कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि MMC अगर उसकी RPM भी क्लीन करके सैमसंग में या फिर बोल सकते हैं जो ओप्पो रियलमी का Qualcomm वाला फ़ोन है उसकी RPM भी क्लीन कर देते हैं धोखे से या फिर आप जानबूझ के करते हैं कि टेस्टिंग के लिए, तो उस कंडीशन में उस फ़ोन को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी है वो टूट गई है और आप उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपको गूगल पर देख लेना, ना ही तो उसकी इंजीनियरिंग फाइल मिलेगी, ना ही MMC चेंज फाइल मिलेगी, ना ही कोई MMC चेंज का प्रोसेस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी MediaTek का ही यहाँ पर जो ऑप्शन है MediaTek का ही MMC चेंज का ऑप्शन आया है Realme, Oppo और Vivo में। बाकी का अगर Qualcomm का करते हैं तो वो बार बार रीबूट या फिर कुछ ना कुछ एरर आएगा, वो पूरा ऑन नहीं हुआ। हाँ, एक दो फ़ोन पुराने फ़ोन है तो मुझे लगता है कि ऑन हो जाएं, बाकी का न्यू मॉडल तो ऑन होने का ही नहीं है अगर उसकी RPM भी क्लीन कर देते हैं या फिर MMC चेंज करते हैं। RPM भी का क्लीन करने का मतलब यह है कि एक किस्म से ये बोल सकते हैं कि RPM भी क्लीन कर दिया, बेशक उसी फ़ोन में कि MMC है अगर उसकी RPM भी क्लीन कर देते हैं तो जो CPU है वो ये समझेगा कि हमारी जो MMC है वो ये नहीं है और इसमें दूसरी MMC लगाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि RPM भी क्लीन उन फ़ोनों का करना है जिसका प्रोसेस हो MMC चेंज करने का। RPM भी क्लीन का मतलब फिर से बोलूँगा कि यही है कि MMC चेंज कर दिया, CPU ये नहीं पहचान पाएगा कि हमारी जो MMC यही है या फिर दूसरा, वो दूसरा ही समझेगा। कुछ फ़ोनों में जो MediaTek वाले फ़ोन है ओप्पो रियलमी की वो यहाँ पर काम कर जाएगा RPM भी क्लीन करके, बाकी का Qualcomm वाला तो बिल्कुल यहाँ पर काम करने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है किसी कंडीशन में कि हमारी RPM भी क्लीन करने के बाद ही MMC ठीक होगी तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, बट उसका सोल्यूशन होना चाहिए RPM भी क्लीन करने के बाद फ़ोन ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट जाएगा क्योंकि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आगे से आप RPM भी क्लीन बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, कहीं लेने के देने पड़ जाए कस्टमर का जैसा फ़ोन था वो भी यहाँ पर ना हो पाए और कम्प्लीटली डेड भी हो जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।